मैं अजय कुमार नंदा, लेक्चर केमिस्ट्री, सीनियर सेकेंडरी स्कूल धनेटा, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सरफेस केमिस्ट्री में कोलाइडल सॉल्यूशंस की प्योरिफिकेशन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कोलाइडल सॉल्यूशंस को किस तरह से बनाया जाता है, व्हाट आर कोलाइडल सॉल्यूशंस, हाउ दे आर प्रिपेयर्ड। आज हम उनकी प्योरिफिकेशन और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे टिंडल इफेक्ट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उनकी बात करेंगे। प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, प्योरिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? द वर्ड प्योरिफिकेशन मीन्स जो इंप्योरिटीज प्रेजेंट हैं किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में, उनको टू द मिनिमम अमाउंट लेके आना, दैट इज कॉल्ड प्योरिफिकेशन, टू रिमूव इंप्योरिटीज। सो द प्रोसेस यूज फॉर रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ इंप्योरिटीज टू रिक्विजिट मिनिमम इज कॉल्ड प्योरिफिकेशन ऑफ अ कोलाइडल सॉल्यूशन। दैट वी नो। अब बिकॉज पार्टिकल साइज बहुत छोटा है एंड देर इज अ यूनिक नेचर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस, सो उनकी प्योरिफिकेशन के लिए सम स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड। दे आर नॉट प्योरिफाइड बाई ऑर्डिनरी मैथड्स। सो लेट अस टॉक अबाउट दीज मैथड्स वन बाई वन। प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस, द मैथड्स यूज आर, वन इज डायलिसिस, अदर इज इलेक्ट्रोडायलिसिस, थर्ड इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, एंड द फोर्थ वन इज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। सो वी शैल बी टॉकिंग अबाउट दीज फोर मैथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस: डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। सो लेट अस टॉक अबाउट दीज वन बाई वन। द वेरी फर्स्ट वाज डायलिसिस। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अ डिजॉल्व्ड सब्सटेंस फ्रॉम ए कोलाइडल सॉल्यूशन बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू ए सूटेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड डायलिसिस। अगर हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन को प्योरीफाई कर रहे हैं, ये मेरे पास कोलाइडल सॉल्यूशन है और इस सूटेबल मेम्ब्रेन में से डिफ्यूजन करके इंप्योरिटीज यहां से डिफ्यूज हो जाएं, और फिर हम इस मेम्ब्रेन को यूज करके अगर हम लोग प्योरीफाई कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डायलिसिस। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अ डिजॉल्व्ड सब्सटेंस फ्रॉम ए कोलाइडल सॉल्यूशन बाई मीन्स ऑफ डिफ्यूजन थ्रू ए सूटेबल मेम्ब्रेन, इट इज कॉल्ड डायलिसिस। जो मेम्ब्रेन, हम लोग सूटेबल मेम्ब्रेन की मैं बात कर रहा हूं, द मेम्ब्रेन दैट वी यूज दे आर एनिमल ब्लैडर, पार्चमेंट पेपर, सेलोफेन शीट, दीज आर द मेम्ब्रेन दैट आर यूज बिकॉज दीज आर परमेबल टू आयंस, दे अलाउ द आयंस टू पास थ्रू देम, दे अलाउ द स्मॉलर पर्टिकल्स टू पास थ्रू देम, बट डू नॉट अलाउ द कोलाइडल पर्टिकल्स टू पास थ्रू देम। कोलाइडल पर्टिकल्स इस मेम्ब्रेन में से पास नहीं होंगे, बट द आयंस कैन पास, स्मॉलर पर्टिकल्स कैन पास, दिस वे द कोलाइडल सॉल्यूशन गेट्स प्योरिफाइड। सो दीज मेम्ब्रेन्स आर यूज फॉर डायलिसिस। नो व्हाट द प्रोसेस इज इन डायलिसिस, व्हाट वी डू, इट इज अ कंटेनर मेड अप ऑफ डायलाइजिंग मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन्स की मैंने बात की। द इम्प्योर कोलाइडल सोल्यूशन इज केप्ट इन इट, इट इज द इम्प्योर कोलाइडल सोल्यूशन, इट कंटेन्स दीज कोलाइडल पर्टिकल्स एंड दीज आर द क्रिस्टलाइड पर्टिकल्स, दीज आर द इम्प्योरिटीज। दिस कंटेनर इज केप्ट इन द रनिंग वाटर। दिस कोलाइडल सोल्यूशन इज एनक्लोज इन अ सुटेबल मेम्ब्रेन कंटेनर and placed in a vessel containing fresh water. The water is kept under continuous flow. The water is coming from here and going out from here. So these particles, crystallized particles, which are smaller in size, they are washed away with water. They can pass through this membrane and they are washed away with water and the colloidal particles remain inside. This way it is purified.
Now this dialysis is a very slow process. It takes a lot of time. To speed up this process, another method used is electrodialysis. Electrodialysis means when dialysis is carried out in the presence of an electric field, then it is called electrodialysis. Dialysis in the presence of electric field is called electrodialysis. So what do we do in it? In this method, two electrodes are placed in the compartment containing pure water. बिल्कुल डायलिसिस की वाला ही सेटअप है. हियर टू इलेक्ट्रोड्स आर सेटअप. हियर इट इज एन इलेक्ट्रोड, इट इज एनोड हियर एंड इट इज अ कैथोड हियर. सो दिस टू इलेक्ट्रोड्स आर केप्ट. नो द आयंस विच आर प्रेजेंट इन कोलाइडर सॉल्यूशन, द आयंस विच आर प्रेजेंट इन कोलाइडर सॉल्यूशन हियर, दिस आयंस आर अट्रैक्टेड by this oppositely charged electrode and they move towards oppositely charged electrode very fast, and as a result the process of dialysis gets speeded up. So just to increase the speed of dialysis, electrodialysis is used, two electrodes are used. Another method is ultrafiltration, separation of soluble solutes from colloidal particles done using specially treated filter paper, which we call ultrafilter paper, is called ultrafiltration. We know jo ordinary filter paper hota hai, ordinary filter paper, the colloidal particles pass through it because usme pore size bahut bada hota hai. ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में पोर साइज बहुत बड़ा होता है, सो द कोलाइडल पार्टिकल्स कैन पास थ्रू इट. देयरफॉर ए स्पेशली ट्रीटेड फिल्टर पेपर इज यूज्ड, व्हिच वी कॉल अल्ट्रा फिल्टर पेपर. अब ये अल्ट्रा फिल्टर पेपर कोलाइडल पार्टिकल्स को पास होने नहीं देता है, जबकि स्मॉलर क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स दे कैन पास थ्रू इट एंड दिस वे वी कैन फिल्टर देम. अब ये जो अल्ट्रा फिल्टर पेपर होता है, इट हैज a very reduced size of pores, reduced pores, and it is prepared by soaking filter paper in collodion solution. The filter paper is soaked in collodion solution and then it is hardened by formaldehyde and then finally drying it. This way a filter paper is converted into ultra filter paper. अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाने के लिए वी सोक द फिल्टर पेपर इन कोलाइडन सॉल्यूशन, देन वी हार्डन इट इन फॉर्मेल्डिहाइड एंड देन देयर आफ्टर वी ड्राई इट. ये जो कोलाइडन सॉल्यूशन है, इट इज अ 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज. सो समटाइम्स वी कॉल इट नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर, समटाइम्स वी कॉल इट नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर, बिकॉज कोलाइडन सॉल्यूशन विच वी वर टॉकिंग अबाउट हियर, इट इज 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज in a mixture of alcohol and ether. In the mixture of alcohol and ether, this solution is used. ये competition में कई बार सवाल पूछा जाता है कि what is collodion solution? या how a filter paper is converted into ultra filter paper? So the solution used is nitrocellulose. अब ultra filtration में, because it is filter paper, ये filter paper है ultra filter paper, इसमें pore size बहुत छोटा है, so the filtration process is very slow. To speed up this process, pressure is applied here. So it is impure colloidal solution. It is impure colloidal solution here. When pressure is applied, so these impurities, they pass through this filter paper, but these colloidal particles, they do not pass and they remain here. So this process is very slow, जैसा मैंने पहले कहा, because pore size is very small, so it is increased by using suction, या तो हम लोग यहां पर suction pump use करते हैं या हम लोग यहां pressure apply करते हैं. So the colloidal particles that remain here, because impurities यहां से pass हो जाएंगी, colloidal particles यहां रह जाएंगे, they are added to the fresh dispersion medium to make the colloidal solution again. Another method is अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन. अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन
इट इज अ टेक्निक वेयर मिक्सचर इज सेपरेटेड बाय स्पिनिंग. जो स्पिनिंग से मिक्सचर को सेपरेट करते हैं देन दिस मेथड इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन. सो व्हाट वी डू, द फाइन कोलाइडल पार्टिकल्स दे आर सेपरेटेड बाय प्लेसिंग इम्प्योर कोलाइडल सॉल इन अ सेंट्रीफ्यूग ट्यूब्स एंड देन दे आर मेड टू स्पिन एट वेरी हाई स्पीड ऑफ द ऑर्डर ऑफ 50,000 rotations per minute. So it is the machine here. When it rotates, जब ये रोटेट करती है तो ये जो ट्यूब्स हैं, पहले वाली स्थिति ये देखें आप, बिफोर रोटेशन इट वॉज लाइक दिस, और जब आप इसको रोटेट करते हैं वेरी हाई स्पीड पे लाइक दिस, तो दिस पर्टिकल्स दे सेपरेट आउट. दिस इज सेंट्रीफ्यूगेशन. सो द कोलाइडल पर्टिकल्स दे सेटल एट द बेस and this process is repeated several times. Then this dispersion medium is taken out, dispersion medium ko separate kar lenge and fresh dispersion medium is used to make the colloidal solution. Then we talk about some properties of colloidal solutions. Colloidal solutions ki different properties hain, like their colligative properties hain, their optical properties हैं, their kinetic properties हैं, electrical properties हैं. So today we shall talk about their optical properties, that is Tyndall effect and colligative properties only. Colligative properties क्या होती हैं, ये हमने solutions वाले chapter में, chapter 2 में पहले पढ़ लिया है. Colligative properties वो वाली properties होती हैं which depend upon the number of solute particles and not upon nature. जो नंबर ऑफ पर्टिकल्स पर डिपेंड करें, नेचर पर डिपेंड ना करें, दे आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. दे डू नॉट डिपेंड अपॉन नेचर, दे डिपेंड अपॉन द नंबर. देर वर फोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दैट वी हैड स्टडीड. दे वर ऑस्मोटिक प्रेशर, लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट. दिस वर द फोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वी हैव स्टडीड. Osmotic pressure, relative lowering in vapor pressure, depression in freezing point and elevation in boiling point. Now because these properties they depend upon the number of particles and not upon nature. Now we have got a true solution here and it is a colloidal solution. If same amount of true solution and same amount of colloidal solution are taken, the true solution mein number of particles jyada honge. Then the number of particles in colloidal solution, the reason is here the particles are smaller. True solution mein particles bahut chote hain, isliye particles zyada honge. Yahan pe particles comparatively bade hain to wo kam honge. True solution mein particle size is less than 1 nanometer. In case of colloidal solution it is 1 nanometer to 1000 nanometer. Colloidal solution mein particle size bada hai, true solution mein particle size chota hai. पर्टिकल साइज छोटा होने की वजह से पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ पर्टिकल्स ज्यादा होंगे, यहां पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ पर्टिकल्स कम होंगे. जब नंबर ऑफ पर्टिकल्स कम होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी तो कम होगी, बिकॉज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द नंबर. सो कोलाइडल सॉल्यूशंस हैव स्मॉलर वैल्यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एज कंपेयर टू द ट्रू सॉल्यूशन. द रीजन इज because they have bigger aggregates, number of particles colloidal solution mein comparatively kam honge, so true solution mein jyada honge, value bhi colloidal solution mein kam hogi. Then comes another property, that is Tyndall effect. Ye to aap logon ne bahut bar dekha hoga, agar hum log smoke ya fog mein se light ka beam pass karein to the path of light becomes visible. You must have observed, बहुत बार हम देखते हैं कि जब स्मोक या फॉग में से लाइट का बीम पास करते हैं तो द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल. ये समटाइम्स हम लोगों ने पुराने घरों में भी देखा है, जब पुराने घरों में से एक विंडो पेन में से डार्क रूम में लाइट आती थी तो पाथ ऑफ लाइट यूज टू बिकम विजिबल, और ये पाथ ऑफ लाइट हमें दिखता था. द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल. ये जो इफेक्ट था, ये इफेक्ट आपने कभी सिनेमा हॉल में भी देखा होगा. सिनेमा हॉल में भी
जब वो लाइट पास होती है तो द पाथ ऑफ द लाइट बिकम्स विजिबल. दिस फेनोमिना वॉज ऑब्जर्व बाई फेराडे. इट वॉज ऑब्जर्व बाई फेराडे एंड लेटर इट वॉज स्टडीड इन डिटेल बाई टिंडल. देयरफॉर दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट. अब लेटर ऑन ये देखा गया कि जो टिंडल इफेक्ट है ये सिर्फ स्मोक या फॉग में से ही पास नहीं होता, किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन में से. जब किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन में से आप लाइट पास करते हैं एंड द लाइट इज व्यूड एट राइट एंगल, इट इज व्यूड फ्रॉम हियर एट राइट एंगल, देन द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल. दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट. व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल. दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट. वट इज द कॉज ऑफ टिंडल इफेक्ट? अभी टिंडल इफेक्ट होता क्यों है, वट इज द कॉज? वेन द बीम ऑफ लाइट पासेज थ्रू ए कोलाइडल सोल्यूशन द कोलाइडल पर्टिकल्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन दे डू नॉट अलाउ द बीम टू कंप्लीटली पास थ्रू इट. ये मेरे पास ट्रू सोल्यूशन है. वेन अ बीम ऑफ लाइट इज मेड टू पास थ्रू इट, ट्रू सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस सोल्यूशन. पार्टिकल्स पास हो जाते हैं, पार्टिकल्स में से लाइट पास हो जाती है. पार्टिकल साइज बहुत छोटा है. But in case of colloidal solution, the particle size is large. They do not allow the light to pass through it. वो particles light को pass होना नहीं देते हैं. Rather, जब इस particle पे light पड़ती है, तो it gets scattered. Scattered means scattering of light. It scatters in all possible directions. So जब इस colloidal particles पे light पड़ती है, तो इट गेट्स स्कैटर्ड, स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस. एंड दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट मेक्स द पाथ ऑफ लाइट बीम विजिबल. और इस स्कैटरिंग की वजह से जब हम लोग एट राइट एंगल इसको देखते हैं तो द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल. अब जब मैं बात कर रहा था सिनेमा हॉल की, सो ड्यूरिंग द प्रोजेक्शन ऑफ पिक्चर इन सिनेमा हॉल ड्यू टू scattering of light by dust or smoke particles. जब वो स्मोक या डस्ट के पर्टिकल्स यहां बीच में लाइट को स्कैटर करते हैं, सो दिस फेनोमिना इज ऑब्जर्व्ड. जैसा हमने शुरू में भी कहा कि फॉग या स्मोक में से जब आप टॉर्च के बीम पास करते हो तो द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल. इट इज बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द वाटर वेपर्स इन केस ऑफ फॉग एंड स्मोक पर्टिकल्स इन केस ऑफ स्मोक. The path of light becomes visible. So, Tyndall effect is due to the fact that colloidal particles scatter light in all directions in space. They scatter light in all directions. And this scattering of light illuminates the path of beam in colloidal solution. Now, what is Tyndall cone? Tyndall cone kya hai? अगर हम लोग एक कन्वर्जेंट बीम पास करें किसी कोलाइडल सॉल्यूशन से, वन कन्वर्जेंट बीम, आपने पढ़ा होगा दो तरह के लेंस होते हैं, एक जो लाइट बीम कन्वर्ज करता है एंड अनदर इज विच डाइवर्जेस द लाइट बीम, जो लाइट बीम को डाइवर्ज करता है. जब ये लेंस हम लोग यूज करते हैं so that the light beam gets converged here, ये light converge जो आती है एक point पे मिलती है, तो जब एक convergent beam हम pass करते हैं तो this region और इस region को at right angle हम लोग view करते हैं, view it from here, तो we find it like a cone. This shape is like a cone. When a strong beam of light is passed through a colloidal solution and path of light is observed at right angle, then bright cone of scattered light is observed. This bright, ये scattered light की एक bright सी cone observe होती है. And this bright cone of scattered light is called Tyndall cone. It is called Tyndall cone. Now, what are the conditions for Tyndall effect? Tyndall effect के लिए क्या-क्या conditions हैं?
The very first condition is the diameter of dispersed particles should not be much smaller than the wavelength of the light used. Dispersed phase particles का size wavelength से बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, तभी Tyndall effect दिखेगा. Second is refractive index, dispersed phase का और dispersion medium का बहुत ज्यादा different नहीं होना चाहिए. There should not be much difference in the refractive indices. Index का plural है refractive indices. Refractive index dispersed phase और dispersion medium के बहुत ज्यादा different नहीं होने चाहिए. Only then this Tyndall effect is shown. Thank you very much. In the next video, we shall talk about a very important property, that is the electrical property of collider solutions.